खाने में बहुत ही टेस्टी है, सॉफ्ट है, मुलायम है। सिर्फ एक चम्मच तेल से आप 10 से 15 मिनट में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। छोटी मोटी भूख हो या आपको जल्दी है, शाम के नाश्ते के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, यह नाश्ता आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि बनाना बहुत ही सिंपल है, सरल है, कोई भी झंझट नहीं है। सिर्फ एक आलू से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए आपको लेना है मिक्सर जार और साथ में लेना बड़े साइज की आलू, कच्चा आलू है। आलू को हमें छील लिया, छीलने के बाद पानी से धोकर आलू को छोटे साइज में कट करके जार में डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू की साइज बड़ी है, इसलिए हमने एक आलू लिया है। अगर आप छोटे आलू ले रहे हैं तो आप दो ले लीजिएगा। बस जब भी आलू कट करिए तो आलू को छोटे साइज में कट करके डालिएगा, जिससे आलू आसानी से पिस जाए। तीखापन देने के लिए हमने दो हरी मिर्च ऐड किया है। जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डाल दीजिएगा। छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, उसे भी हमने कट करके डाल दिया। एक चम्मच हमने पानी डाल दिया। पानी आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ एक चम्मच डालना है। और एक चम्मच पानी डालकर आलू का बारीक पेस्ट आपको बना लेना है। तो आलू पेस्ट बनकर रेडी हो गई है, उसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। आधा कप पानी डालकर हमने जार को भी साफ कर लिया। चलाकर देख रहे हैं, अगर आलू के टुकड़े दिखेंगे, आलू के टुकड़े होंगे, तो उसे हम निकाल देंगे। अब इस आलू के पेस्ट में आपको डाल देना एक कप भर के सूजी यानी रवा। उसी कप से आपको यहाँ पे लेना है चावल का आटा। चावल का आटा आपको सूजी की अपेक्षा कम रखनी है। एक कप भर के हमने सूजी लिया था, एक कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे चावल का आटा ऐड किया है। फिर एक कप भर के एकदम फ्रेश ताज़ी गाढ़ी दही लेनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम गाढ़ी दही आपको लेनी है। उसी कप से, दही वाले कप से हमने पानी लिया है। दो से तीन चम्मच पानी डालकर मिला लेंगे, फिर ज़रूरत लगेगी पानी डाल देंगे। तो थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो डेढ़ चम्मच लगभग हमने पानी और मिला दिया। अच्छे से मिला लेंगे। इस पेस्ट को आपको गाढ़ा रखना है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, पेस्ट पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही रखना है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया आलू के पेस्ट के साथ। अब इसे हम प्लेट से ढक देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, कि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो सिर्फ सूजी और आलू के पेस्ट के साथ आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 20 मिनट हो गए, हमने प्लेट हटा दिया, चलाकर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है, पेस्ट हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। नाश्ता बनाने के लिए जो घोल है हमारे एकदम परफेक्ट नहीं है, हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेढ़ से दो चम्मच पानी। पानी आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, अगर ज़रूरत लगे तभी आप पानी ऐड करिएगा। बस इतना पानी डालिएगा जब आप चम्मच से चलाएं तो आसानी से मिक्स हो जाए, गाढ़ा आपको ना लगे। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो घोल पतला हो जाएगा, और घोल को हमें गाढ़ा ही रखना है। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है बड़े चम्मच से दो चम्मच भर के, यानी छोटे कप से, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, एक चम्मच भर के बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बीज निकाल कर टमाटर को हमने बारीक चॉप करके डाल दिया। धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कट करके। दो से तीन चुटकी आपको हल्दी पाउडर ऐड करना है, जिससे अच्छा सा कलर आए नाश्ते का। स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। हल्दी डालने के बाद आप देख सकते हैं जो घोल है, घोल का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर इधर हमने कढ़ाई में एक गिलास पानी ले लिया है, गैस चलाएंगे, कढ़ाई को रख देंगे और धीमी आंच पर हम पानी को गर्म होने देते हैं। फिर इधर हमने छोटे साइज का ग्लास ले लिया है, आप कटोरी प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। ग्लास को चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए कुकिंग ऑयल से। घोल जो रेडी था उसमें आपको डाल देना आधा चम्मच खाने वाला सोडा। अगर सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर आधा चम्मच इनो भी ऐड कर सकते हैं। और सोडा डालकर एक ही तरह चम्मच घुमाइए, ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस थोड़ी देर के लिए फेंट लीजिए, जितने में अच्छे से जो सोडा है अच्छे से मिक्स हो जाए। कलछी हमने ले लिया है, इस तरीके से एक एक कलछी घोल हम सारे ग्लास में डाल देंगे, नाप के डालेंगे। जो नाश्ता एक ही शेप बनकर तैयार होगी। हल्का सा टैप कर दीजिए अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर तक आपको नहीं भरना है, हाफ ही रखना, आधा ही रखना है। फिर इधर आपको लेना है थाली, ऐसी थाली लेना है जो कढ़ाई के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और थाली को रुमाल से अच्छे से कवर कर दीजिए, इस तरीके से पीछे से अच्छे से कवर करना है, ये प्रोसेस मेन है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर हमने ले लिया है स्टील वाली जाली वाली थाली, इसी थाली में हम ग्लास को रख देंगे, नाश्ते वाले ग्लास को रख देंगे। आप सादी थाली भी ले सकते हैं, प्लेट थाली भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी गर्म हो गई है, उबलने लगी है, हम थाली को रख देंगे, ऊपर से रुमाल वाली थाली से कवर कर देंगे। बस अच्छे से कवर करना है आपको, ऊपर से कोई भारी वाले बर्तन रख देना है कि जो हैंकी है, रुमाल है, अच्छे से दब जाए, खुले ना।
इसे हम 20 से 25 मिनट स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। गैस को तेज बिल्कुल नहीं करिएगा, गैस को स्लो करिएगा। यहाँ पे हमने पूरे 25 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लिया है। गिलास को हमने बाहर निकाल लिया, गिलास अच्छे से ठंडी हो गई है। जब इस तरीके से हाथ से छूने लायक हो जाए तभी आप इस नाश्ते को गिलास से बाहर निकालिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो सेब ख़राब हो जाएगी, बीच में टूट जाएगी। ठंडा होने के बाद इस तरीके से जब गिलास को हिलाएंगे आसानी से नाश्ता बाहर आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है ऊपर से ज़्यादा फूल गई है तो आप इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं। दिखाने के लिए हमने हल्का सा कट करके आपको दिखा दिया। फिर आप अपने गैस चलाए कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया। हींग डाल देंगे चुटकी भर। एक चम्मच आपको यहाँ पर डाल देना है राई, राई को भी हल्का सा लाल करना है। फिर एक चम्मच भर के डाल देना है सफ़ेद तेल। अगर तिल है तो डाल दीजिए, नहीं तो तिल वाले प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। 10 से 12 हम करी पत्ता डाल देंगे। अगर आप इस नाश्ते को खट्टापन देना चाहते हैं, चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप इसी समय आपको ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। हमारे पास नींबू नहीं था इसलिए हमने नींबू का रस नहीं ऐड किया है। जब तड़का रेडी हो जाए तब आप नाश्ते को डाल दीजिए। गैस को मीडियम करिए और मीडियम फ्लेम पे 30 सेकंड बाद उलट पलट कर आपको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। आलू का नाश्ता है इसलिए आपको हल्का सा सेकना ज़रूरी है, तभी टेस्ट आएगा। बाहर से क्रिस्पी लगेगी और अंदर से सॉफ्ट लगेगा। 30 सेकंड बाद हमने नाश्ते को पलट दिया। आप देख सकते हल्की सी फ्राई हो गई, हल्की सी सीख गई है। और तेल भी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 से 1.5 चम्मच तेल में आप 5 मिनट के लिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। नाश्ता बन गई है। हम आपको पास दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कितनी स्पंजी बनी, कितनी फूली फूली बनी है। और इसे कट करके भी दिखा रहे हैं, एकदम जालीदार है, अंदर से अच्छे से पकी हुई है। तो आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, सांभर के साथ खाइए, यकीन मानिए खाएंगे ना खुद जान जाएंगे कितनी टेस्टी, क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत ही पसंद है। तो आप इसे ट्राई करिए, प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय।